के आर ब्लॉक रोड नंबर 2 में आज 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें बहुत सारे शेर व शायरी और गजल लोगों ने प्रस्तुत किया। इनमें मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अंजना गांधी भी इसमें 25वां स्थापना दिवस में शामिल हुए। शिवचंद्र राय ने बताया कि लालू विचार मंच का मतलब होता है गरीबों का हक के लिए लड़ना, जो कि आए दिन हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं और गरीबों के हित के लिए हमेशा उनके बात को आगे रखने के लिए यह लालू विचार मंच अपना योगदान हमेशा से देते आ रहे हैं और आगे भी देते हुए आएंगी। इनमें से मुख्य अतिथि आने वाले मेमशाद अशरफ, प्रदेश अध्यक्ष बिहार आजाद गांधी, पूर्व एमएलसी सैयद शाह, गुफरान अशरफी, पल्लवी जोशी, खालिद परदेसी इत्यादि शामिल हुए। सबसे पहले लालू विचार मंच का जो 25वां स्थापना दिवस है, प्रकाश के बोलने में सभी पत्रकार बंधु, सभी पत्रकार बंधु एवं पूरे बिहार से आए हुए कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। साथियों, ये जो लालू विचार का स्थापना दिवस है, ये गरीब गुरुआ की लड़ाई के लिए है। लालू जी के विचार को हम लोग जन जन तक, पूरे देश में भी, बिहारी नहीं अन्य राज्य में भी, हम जन जन तक फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और उनके विचार को, जो उनकी सोच थी, जो सबसे नीचे कमजोर वर्ग के लोगों को विधानसभा, लोकसभा, सड़क से सदन तक उनकी प्राथमिकता दे। आज मैं साल भर का योजना बनाया हूँ, जो केंद्र सरकार के जननात्मक नीति के खिलाफ जो साल भर हम लोग को प्रोग्राम चलेगी, जिसमें लालू विचार मंच के, लालू विचार मंच पूरे राज्य में हर प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक, चाहे वो भंगी का बेटा हो या कलेक्टर का बेटा हो, शिक्षा एक समान, ये हमारी, मेरी बच्चा और मैं यहाँ पर बैठे लोग हैं, यदि 75% लोग ऐसे ही। हम लोगों का काम है आवाज उठाना, लड़ाई लड़ना, मान गए तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन करना। क्या सर, विकास के लिए तो हम लड़ेंगे ही, बेरोजगारी, महंगाई, इसके लिए भी लड़ाई होगी। आज जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, और एक चीज हम आप तमाम मीडिया पर्संस को ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ लालू विचार मंच में सिर्फ स्टेज पे बात नहीं होती है। लालू विचार मंच को अगर देखना है तो जमीनी लेवल पे आइए, उसके बाद देखिए कि वाकई ये सिर्फ स्टेज पे बोलती है ये संगठन, या धरती पर भी काम करती है। जो भी है सर, लालू विचार संगठन है सर, यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मैं कागजी करवाई नहीं, धरातल पर किया हूँ। सर आपने सर अब तक सर क्या क्या धरातल पर किया सर? ये तो आपका काम है खोज के निकालना। सर आप भी कुछ बता दीजिए सर, हो सकता है मतलब हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इस बात की आप क्या जानना चाह रहे? मेरा सर जानना ये है सर, अब तक आप, हम तो सरकार में है नहीं, हम तो सरकार में अगर होते तब हम, आप हमसे ये सवाल करते कि आपने डेवलपमेंट के लिए क्या किया। हम सरकार में नहीं है, हम डेवलपमेंट के लिए आवाज उठा सकते हैं। जहां पानी की समस्या है उसके लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं, जहां खाने की समस्या है उसके लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन विकास के लिए तो हम लड़ाई लड़ सकते हैं ना, पास तो नहीं कर सकते।